अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम स्टू कीमा बनाएंगे। तो हम जैसे जैसे सामान डालते रहेंगे आपको वैसे दिखाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 ग्राम करीब हमने तेल ले लिया है। अब इसके अंदर हम कुछ गरम मसाले डालेंगे। तो हमने 4 से 5 सफेद इलायची ली है, 1 चम्मच जीरा लिया है, 4 से 5 लौंगे ली है, 15 से 20 काली मिर्ची ली है और 1 बड़ी इलायची ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। ये डाल देंगे, इसको थोड़ा चटकने देते हैं। अब इसके अंदर हम हाथों हाथ कीमा डाल देंगे कि हमने 500 ग्राम बड़े का कीमा लिया था, रिवाजदार है थोड़ा सा। अब ये डाल देंगे, अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं। कीमे को अच्छे से मिला लिया है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच फुल भर के डालेंगे। अब इसके साथ भी इसको जब तक भूनना है तब तक लहसुन अदरक की स्मेल ना चली जाती। तो देखिए दोस्तों, हमें कीमे को भूनते भूनते 5 मिनट हो गए। अब तेल भी इसका ऊपर आ गया। अब इसके अंदर और मसाले डालेंगे। हमने 1 चम्मच ये पीली वाली मिर्ची ली है, 1/2 चम्मच हल्दी लिया है, 1.5 चम्मच नमक लिया है, 3 से 4 हमने छोटे छोटे तेज पत्ता लिया है, 2 साबुत लाल वाली मिर्च ली है, ये भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से भून के 2 सीटी ले लेते हैं इसमें। हमने ये मोटा मोटा साबुत धनिया पीस लिया था, दरदरा कर लिया था, इसके अंदर ही हमने पानी भी डाल दिया। अब इसको कीमे में डाल देंगे। अब इसको मिला के 2 सीटी ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 2 सीटी ले ली थी। अब हमने कुकर को खोला है, ये देखिए अच्छे से हमारा कीमा भून चुका है। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे और टमाटर डालेंगे। तो हमने बड़े वाले टमाटर ले लिए थे और 3 प्याज ले ली थी, छोटी मीडियम वाली, और 8 से 10 हमने हरी मिर्चें ली हैं, मोटी भी हैं इसमें, पतली भी हैं, ये मिला के डाली। हमने प्याज टमाटर हरी मिर्चें डाल दी, हमने सबको मिला दिया है। अब इसे हमें तब तक भूनना है जब तक ये टमाटर और प्याज सॉफ्ट नहीं हो जाती। तो चलिए इसे ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट हो गए भूनते भूनते। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे, वो भी अच्छे से मिला के 5 मिनट के लिए और ढक देंगे। अभी हमारे टमाटर प्याज निकली। फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे, ज्यादा तेज नहीं करेंगे, हल्के फ्लेम पे ही रखेंगे इसे। अब भून लेते हैं इसे 5 मिनट। देखिए दोस्तों, हमारे कीमे को 5 मिनट हो गए भूनते भूनते। अभी अच्छे से भून चुका है, अब ये तैयार है। अब इसके अंदर हम थोड़ा हरा धनिया और डाल देंगे और आइए इसको डिश आउट करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।